झारखंड में विदेशी महिला के साथ हुई दरिंदगी की गूंज विधानसभा में भी देखने को मिली। बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की कि दुमका में स्पेनिश महिला के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बता दें कि स्पेनिश महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। घूमने के दौरान रात होने पर महिला अपने पति के साथ कुर्माहाट इलाके में खेत में टेंट लगाकर आराम कर रही थी। इस दौरान वहां आए कुछ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और उसके पति के साथ मारपीट की। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि ये एक दुखद घटना है, पूरे विश्व स्तर पर भारत को और झारखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की कभी नहीं रही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घटना प्रशासन के फेलियर को भी दिखाता है। अपनी चर्चा अगर कोई विषय रखना कार्य मंत्रणा में लेके आना चाहिए था, केवल ऐसे ही चर्चा के लिए खुद को बनाए रखने के लिए कोई विषय चुनना है तो ऐसे ही चर्चा करते रहिए। अगर गंभीर किसी विषय को लेकर रहते हैं, वास्तव में उस विषय को लेकर आपको बहुत दर्द रहता है, तो आप प्रथम में जब कार्य मंत्रणा की मीटिंग हुई उस दिन लेके आते तो निश्चित रूप से कोई विचार आता और आप बहुमत में है कार्य मंत्रणा में भी, आप जो हाँ कहते तो हो जाता है। दुमका हसदिया में एक स्पेनिश महिला के साथ अंग्रेज घटना है, ये एक दुखद घटना है, पूरे विश्व स्तर पर भारत की साख को गिराने वाली घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। और ये लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का, जो हम लोग लगातार 4 साल से कह रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की नहीं रही है। सरकारी संरक्षण में सरकारी संसाधनों का दोहन हो रहा है, जो दायित्व है जिस भी विभाग जिस पदाधिकारी का, उसे उस दायित्व से अलग सी ड्यूटी एक पड़ी हुई है जिसके काम कर रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के नमूने जो सामने आ रहे हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, एक बड़ा अपराध सामने आया है जो आपने देखा। होना ये चाहिए था इसमें कि जब भी आपके टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं या फिर एब्रॉड लोग कोई आते हैं तो उनके पासपोर्ट से उनका ट्रैकिंग होता है कि वो कहाँ आएंगे, ये टूरिस्ट बन के आएंगे, कोई शोध काम में आएंगे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में आएंगे, या फिर कहीं पर अपना सेमिनार वगैरह कार्यक्रम में बाहर के लोग आते हैं। तो ऐसे जब आते हैं उसके बारे में खबर हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू हमारा जाता है कि कौन कहां से किस पासपोर्ट में लोग आए हैं। अगर वो विजिट कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, जिस थाना क्षेत्र में उन्होंने अपना आश्रय बनाया, अगर इसकी सूचना अगर वहां के थाने को थी या नहीं थी, अगर थी तो उसको तुरंत से वहां सुरक्षा की व्यवस्था उस वहां करनी चाहिए थी, जो नहीं कर पाए, जो फुल्ली फेल्योर है। वहीं महागामा विधायक दीपिका पांडे ने इस मामले में कहा कि ये बिल्कुल भी माफ करने लायक घटना नहीं है, दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी औरत के साथ ऐसा दुष्कर्म करने वाले दोषियों के लिए फांसी बहुत कम सजा है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है और आप लोगों के पास सुबह से लेकर अब तक घटना होने के बाद से, जानकारी आने के बाद से लेके अब तक की भी सूचना होगी, कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ और हो रही है, ये बिल्कुल भी माफ करने लायक घटना नहीं है। इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ और समय के बाद सारी गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को हो, इसकी मांग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात के बारे में मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और प्रशासनिक महकमे से भी इसके बारे में बात हो रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिस देश में अतिथि देवो भव के कह करके हम लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ इस तरह की घटना किसी महिला के साथ हो जाए, ये बहुत ही गलत है। लेकिन अब इसमें जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आखिर ये धूप कैसे हुई कि जो फॉरेन के कोई भी विजिटर आते हैं तो प्रशासन के तो वो कोऑर्डिनेट में रहते हैं, खास करके जब महिला, इतनी बड़ी अब ये तो सभी को जांच का विषय है। सरकार अपने तरफ से इस बात के बारे में लगी और मुझे मुख्यमंत्री जी खुद इस विषय को देख रहे हैं, थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि और प्रशासन को देना चाहिए कि तमाम गिरफ्तारियां और इसमें कोई भी दोषी होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर एकदम लगातार विपक्ष का अधिकार है कि वो मांग करे, वो कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, महिला का मामला है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा बस इतना ही कहना।
सख्त से सख्त, फांसी तो मुझे लगता है कम है, एक महिला होने के नाते मैं आपसे कह सकती हूँ कि इस तरह की घटना किसी भी महिला को मुझे लगता है जीते जी मार देने, उसको फांसी अगर दे दिया जाए तो शायद आसान है, लेकिन इस तरह की घटना के बाद समाज में रहना और उसको पूरे जीवन उससे परेशानी होती है, तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इसी की मांग हम लोगों ने सरकार के सामने रखी है।